हाय, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही। एवरी फ्राइडे की तरह इस फ्राइडे भी हाजिर हूँ मैं आप सबके लिए लेके एक स्टोरी। आज की स्टोरी मुझे भेजी है राजेश जोशी ने, पुणे महाराष्ट्र इंडिया से। इनका जो अनुभव है वो उन्होंने इस स्टोरी में बयां किया है। 1998 में राजेश ट्रैवल किया करते थे एक शहर से दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए। 3 घंटे जाना, 3 घंटे आना और 8 घंटे की नौकरी। रोज वो इतना ट्रैवल किया करते थे। उनका रूटीन ऐसा ही था। ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो जाहिर है बहुत सारी वैरायटी ऑफ लोग इन्हें मिलते थे। एक दिन ये जिस कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे एक छोटा बच्चा आया, 9 या 10 साल का, और उसने झाड़ू से वो पूरा कंपार्टमेंट क्लीन कर दिया। लोगों ने पैसे दिए, किसी ने 1 रुपये, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपये। बच्चा खुश हुआ, नेक्स्ट कंपार्टमेंट में गया, वो क्लीन करने लगा। राजेश ये सब देख रहे थे और फिर बाद में ट्रेन के दरवाजे के पास जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी वहीं पे आया, अपनी झाड़ू साइड में रख दी और वो ट्रेन के दरवाजे में खड़े होके गाना गाने लगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना। राजेश उसे देख के सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से होगा, कितनी उम्र है, क्या है। उस बच्चे को उन्होंने फिर सवाल पूछने शुरू किए, भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, कितना पढ़े हो, घर पे कौन कौन है। तो उसने कहा, भैया मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा नाम आनंद है, मैं 9 साल का हूँ, मैं भी आपके शहर से ही हूँ और मैं रोज़ आपके तरह ही इस ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ। ट्रेन में झाड़ू लगाता हूँ, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा और मेरी माँ का गुजारा होता है, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो अल्कोहल की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो हम माँ बेटे हम दोनों ही हैं। उसने बताया कि हर रोज़ वो 150 से 200 रुपये कमाता है, कभी कभी तो घर भी नहीं जा पाता। सुबह 4 बजे आके वो ट्रेन में चढ़ जाता है, कंपार्टमेंट क्लीन करता है, उसकी वही कमाई होती है। जब कभी टीसी उसे उतार देता है तो उसी स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस अपने शहर आता है। फिर राजेश ने कहा, जो तुम कमाते हो 200 रुपये वो बैंक में इकट्ठा करते हो, वहाँ जमा करते हो? उसने कहा, कहाँ भैया, मुझे कौन खोल के देगा बैंक का अकाउंट, वो एक ठेले वाला है पान वाला, उसके पास में मैं जाके पैसे देता हूँ, ज़रूरत होती है तो उसे मांग लेता हूँ, माँ को भी पैसे दे देता हूँ। उसकी ये बातें सुन के राजेश को लगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। वो उसे काफ़ी देर बातें करते रहे। आनंद ने उन्हें बताया कि भैया देखो, मुझे तो कोई अपना रहन सहन मेंटेन नहीं करना पड़ता, मेरा नाम आनंद है ना, तो मैं खुश रहता हूँ, मैं हर सिचुएशन में खुश रहता हूँ, बहुत चीज़ों की वजह से मुझे मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना पैसा उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता, मैं आज में जीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है प्रेजेंट में जीना। और फिर स्टेशन आने के बाद वो उतर गया। उसे बात करने के बाद में राजेश भी सोचते रहे कि सच में ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं, रैट रेस है, हम सब भागते रहते हैं, नौकरी करो, घर पे आओ, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर उठो, फिर जाओ, कि रैट रेस तो है। और ये सारी क्यों हम करते हैं मेहनत, ताकि हम अपने घर वालों को खुश रखें और चीज़ें लें, ऐसी चीज़ें जिनमें जान तक नहीं है, निर्जीव चीज़ें, हम उनमें अपना पैसा डाल देते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, सुकून चैन शायद हमें मिलता ही नहीं। आनंद को देखो, सचमुच ये आनंद में रहता है। राजेश ने अपने आप से यही वादा किया कि वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखेंगे, अच्छा समय बिताएंगे। है ना प्यारी स्टोरी, मॉरल कितना अच्छा है। पूरी दुनिया जिस रेस में भाग रही है हम भी वहीं भाग रहे हैं, पर क्या हम प्रेजेंट में जीते हैं, अभी का जो क्षण हमें मिला है क्या हम उसे इंजॉय करते हैं? नहीं ना, सोचिए, कहीं पॉज लेना है ज़िंदगी में, कहीं रुकना है, रुकिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर कोई उस रैट रेस में दौड़े जहाँ सब दौड़ रहे हैं, कोशिश करें कभी रुकें ज़िंदगी में, एनालाइज करें कि आपको जाना कहाँ है, क्या करना है। शायद वो छोटा सा 9 साल का बच्चा आनंद, उसने राजेश को बहुत अच्छा लेसन दे दिया था, सिखा दिया था, एंड आई एम श्योर राजेश अपनी लाइफ में ये ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे। तो धन्यवाद राजेश, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे साथ में शेयर की, ऐसे ही स्टोरीज भेजते रहिएगा। और आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही कुछ नया कुछ अलग लेकर, तब तक टेक केयर। और बता दूँ कि ये स्टोरी आ रही है मेरे फेसबुक पेज आरजे अश्विनी, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी, माय इंस्टाग्राम हैंडल रेडियो वाली अश्विनी। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर।